कांगना, एक तो आपका नाम बोलने में टाइम लगता है और फिर सूर्यवंशी दूसरा सर, लंबा नाम है, से बहुत ही क्लोज है सर। मैं आपसे एक सिर्फ ना ही तो डालना आगे सर। सर सर वो तो मुझे आप लोगों पे मुकदमा करना है, आप लोगों ने जब से वो फिल्म बनाई आपने भाइयों ने मिलकर मेरा नाम सबने बिगाड़ दिया। अभी एक और बनाएंगे सर। कांगना ये बताइए कि ये बार बार आपको कह रही है किड है, आपकी अम्मा कह रही है एक घंटे से ज्यादा आपको कभी छोड़ा नहीं, आप कहाँ ये बांध के जा रही हैं, ये जो काला धागा बांध लिया आपने। जी बिल्कुल, मुझे कभी भी मामा ने एक घंटे के लिए भी नहीं छोड़ा। मैं सच में बच्ची हूँ, मैं बचपने में बहुत ज़्यादा यकीन रखती हूँ, मुझे लगता है इनोसेंस से ज़्यादा बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने सारे पास्ट और अपनी सारी कल्चर वैल्यू सबको छोड़ कर जो भी लोग कहते जाएँ उससे इन्फ्लुएंस हो जाऊँ। मुझे लगता है मैं अपने हेड में फर्म हूँ। जिस तरह का ये शो है, जिस टाइम पर ये शो आता है, उस शो में एक किड का उस अंगने में क्या काम। मेरा पिछला शो भी 10:30 बजे ही था, यकीन मानिए। और दूसरी बात, टाइम स्लॉट और बाकी चीज़ें दूसरी चीज़ हैं। मैं जानती हूँ इस शो में आप वो दिखते हैं जो आप सच में हैं। आप ये मेरा विश्वास मान सकते हैं, ये मेरी सीख मान सकते हैं, या मेरी रूट्स मान सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मैं प्रिंसेस कल्चर में बहुत मानती हूँ, तो मुझे लगता है ये एक शो है जहाँ मुझे खुद को अपने पैरामीटर्स पे साबित करना होगा, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। मेरी यू विल सी अ डिफरेंट साइड। आपको आपने ये सुना हुआ है कि इनकी पेट में दाढ़ी है, किसी के पेट में दाढ़ी होना आपने सुना है हिंदी में ऐसी कहा मुहावरा? सुना है। क्या मतलब होता है पेट में दाढ़ी, कब होती है? एग्जैक्टली तो नहीं पता, आप बताइए। कि वैक्स नहीं करा है सर, शेव नहीं किया है, यही मतलब होगा। यही क्या, बहुत बाल है सर, और क्या मतलब होगा? ये शो देखने के बाद समझ आ जाएगा, धीरे धीरे समझ आएगा ये इस मुहावरे का मतलब। आज नहीं जरूर। ईश्वर, आप जो इस शो में आई हैं, आप इसको जीतने के लिए आई हैं, ज्यादा से ज्यादा दिन रहने के लिए आई हैं? आई थिंक हर कोई जो इस शो में आता है वो जीतने के लिए आता है। अगर आप जीतने चाहती हैं तो आपको नहीं लगता था कि आपको ऐसा चुनना चाहिए था जो घर के अंदर एक आध को चांटा लगा दे, जिस पर ज्यादा से ज्यादा कैमरा रहे, जिसकी चर्चा हो? अमन उस मामले में जो आपने ना किया उसके मुकाबले में थोड़े ढीले नहीं है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि अमन के ऊपर कैमरा नहीं रहेगा और वो आपको... ये सब आपका इमेज क्लियर कर रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? अभी इतना कुछ बताया गया था अमन वर्मा के बारे में और आप उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो सर, ऐसे नहीं करते। और मुझे भी बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, अगर इन पे नहीं होगा कैमरा तो मुझ पे तो बिल्कुल होगा। सो हम दोनों में से किसी एक पर तो होगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसको दो लोग ना बोल चुके हैं, इतनी वो इमोशन, अच्छा, हो चुका है, सॉरी, इतनी इमोशन वो ऑलरेडी जनरेट कर चुका है, मेरे को तो ऑलरेडी वो फेवरेट लग रहा है। और मेरे लिए अमन के लिए सवाल है, अमन आप लगता है सलमान को बहुत दिनों से जानते हैं, आपकी दोस्ती है और आप बहुत सोच समझ के बोलते होंगे, ये मैं भी समझता हूं। जानते हैं सर, दोस्ती नहीं है सर। हाँ, दोस्ती अच्छा, नहीं आप है। जानते हैं ये चीज कई साल पहले काम किया है और आज एक मौका है इन्हें धन्यवाद कहने का, एंड दैट्स द रीजन। चलिए, सलमान ने साफ कर दिया तो आपके लिए रास्ता खुल गया थोड़ा सा, आप बहुत सोच समझ के भी बोलते होंगे। रिमी, आपने क्या तैयारी की है इस हाउस के लिए, आप क्यों जा रही हैं अंदर? आप अंदर तो गाली बोलनी पड़ती है, धक्का मारना पड़ता है, मुक्का मारना पड़ता है। नहीं सर, ये सब नहीं होता है शो में सर, आप पता नहीं कौन सा शो देख रहे हो। नहीं सर, नहीं होता सर। सर शो का नाम मेरे को सर, और अगर होता है तो सर हम अलाउ ही नहीं करते उसको सर। सर शो का नाम डबल ट्रबल नहीं है? डबल ट्रबल है सर, अब होगा सर, अभी तक तो ऐसा कुछ था ही नहीं सर। सर तो आप ही से सवाल है सर, ये रिमी डायरेक्टर बनना चाहती हैं सर, आप इनके साथ फिल्म में काम? जवाब दे दिया सर, मैंने पूछा था इनसे सवाल, इन्होंने जवाब दे दिया कि थोड़ा सा पब्लिक रिलेशनशिप आके सीख कर जाएंगी बिग बॉस। नहीं सर, आप क्या इनके फिल्म में काम करना चाहेंगे और उसका जवाब आप क्योंकि से शुरू कर सकते हैं क्या, जो आपकी इनके साथ फिल्म थी क्योंकि से? हाँ सर, अगर स्क्रिप्ट अच्छी होगी तो क्यों नहीं करेंगे सर, हर चीज स्क्रिप्ट के ऊपर ही होता है। अगर स्क्रिप्ट अच्छी होगी, स्क्रिप्ट अच्छी लेके आएंगे तो हम बेवकूफी होंगे जो कि रिफ्यूज करेंगे सर। अगर आपसे पूछूं तो आप 10 में से कितने नंबर अपने पार्टनर को देंगे और कितने नंबर ये जो डोर बंदी है पार्टनर उनको किस बेसिस पर? किसी भी बेसिस पर 10 में से आप कितने नंबर अपने पार्टनर को देंगे? माय पार्टनर बेसलेस बेसिस पे दे दो यार कुछ। हां, आई थिंक माय पार्टनर विदाउट एनी ऑफेंस शी टेक्स 10/10, 5 साल से साथ में है तो ऑब्वियसली कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब देयर इज नो डाउट अबाउट इट।
आपका ये था कि ये क्या 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 बोल रहे हो, पांच साल से 10 on 10 थी उस वक्त, 10 on 10 से अभी 4 तक आ जाने चाहिए थी, क्या ये कौन सी लाइफ जी रहे हो यार? यही आपका आपका एक्सप्रेशन यही था ना कि क्या बोल रहा है यार, ये ऐसा झूठ बोल रहा है यार, ये नेशनल टेलीविजन में ऐसा झूठ मत बोलो करो यार। इनको जिमी आई थिंक बहुत जिस बेसिस पर मैंने उसको 10 नंबर दिए हैं उन बेसिस पर उनको जानने में परखने में बहुत टाइम लगेगा, बट आई थिंक एज फार एज अभी जितना जाना है आई कैन ईजिली गो फॉर 5 एट लीस्ट बिकॉज शी इज ऑलरेडी वी ऑलरेडी यू नो अंडरस्टूड जितना एडजस्टमेंट कर सकते हैं कर रहे हैं 5 एंड आई एम श्योर इट विल इंक्रीज विद टाइम वी विल मेक श्योर इट इंक्रीज थैंक्स थैंक यू सर। मैं मानता हूँ कि आप जो भी फैसला लेती हैं सोच समझ के लेती होंगी, हाँ या ना? दिल से लेती हूँ, दिमाग से नहीं कोई भी फैसला। दिल से अगर आपने फैसला लिया है तो मैं 2 वजह जानना चाहूँगा, आपने क्यों मना कर दिया प्रिंस को, 2 वजह क्या थी? 2 वजह आई थिंक सर ये मैं जवाब दूं उसका, हाँ जी, कि 2 वजह के 2 बजे उठ के ये क्या कर रही है इसलिए बोला यार, अभी आप दीजिए जवाब दीजिए। आई डोंट नो आई डिडंट लाइक हिम। ये क्या, ये एक वजह थी, दूसरी? दूसरी भी यही वजह होगी क्योंकि पर्सनली नहीं जानती हूँ तो आई डोंट नो, ही सीम्स टू बी अ वेरी सिंपल एंड सॉर्टेड पर्सन सो आई माइट बी wrong. Looks could be deceptive. Not looks. No, but I don't know. I just felt. I don't know the Bandra boys. See. उन्होंने ऐसी कौन सी बात कही जो आपको लगा कि ये बंदा ठीक नहीं है? कुछ एक I actually liked one एक, thing. एक बात मुझे बात से नहीं I just felt he's a simple guy. That's it. Which I felt very positive about him. That's it. अरविंद जी ये आप रात को क्यों चश्मा लगाते हैं, क्या मतलब ये क्या चीज़ है, ये चश्मे से आपको क्यों प्रेम है? आपने इनकी फिल्म वो दबंग तो नहीं देखी थी जिससे मेरा नाम बिगड़ गया? सर अभी ऐसी मूवमेंट हो जाती है कभी तो पता नहीं चलता ये सोचता क्या है तो हम निकाल लेते इस बार तो सर ये जब सर बीवी हमेशा हर जगह होती हैं तो बीवी को पता नहीं चलना कि निगाहें कहाँ होती हैं सर ये यही होगा मुझे तो ऐसा लगता है। व्हाट डू यू थिंक मैम? 100% 100% ना गुजराती भाई बड़ी ये सीक्रेट बात खुलवा दी है ना मुझे लग रहा है मरवाओगे सर नहीं नहीं सर क्योंकि हम क्यों बोल रहा हूँ इसमें अच्छा हम नहीं नहीं सर वो आंखों से नहीं पता चलता है सर वो आपको ऐसा लगता है आंखों से आप नहीं पकड़े जाओगे सर आंखों से तो ठीक है आंखें छुप गई सर ये माउथ का क्या करते हो क्या आप वो तो पकड़े जाते होंगे सर सर सीधा साधा आदमी हूँ सर ये दिखता है ऐसा जीन जैसा हूँ बाकी हूँ नहीं दिख रहे हो सर तो आपकी कॉन्शियंस क्लियर है कि मेमोरी कमजोर है मेरी मेमोरी बिल्कुल कमजोर नहीं है और कॉन्शियंस बिल्कुल क्लियर है सर ये सवाल मुझसे पूछो सर आप प्लीज सर आप दोनों ही आपको नहीं लगता कि ये जो जितने लोग अभी घर पर गए कोई तो उनमें आपको पसंद करता नहीं है आप तो मुझे लग रहा है कि पहले दूसरे हफ्ते में ही बाहर फेंक दिए जाओगे सब एक तरफ गैंग अप हो जाएंगे कोई आपको पसंद ही नहीं कर रहा है मैंने कितनी कोशिश की कितनी वकालत की आपके लिए कोई लड़की नहीं मान रही थी अभी सर अंदर तो जाने दो अंदर जाने दो एक हफ्ते बाद देखना क्या होगा यही लोग सो प्रिंस का नाम ले रहे होंगे ट्रस्ट मी पर आपने कभी सोचा कि मामला डिफेक्टिव कहाँ है मतलब बार बार रिजेक्ट क्यों कर रहे हो ऐसा कुछ नहीं एक्चुअली वो मुझे जानते नहीं है अंदर जाऊंगा उनको जानूंगा खुद को बताऊंगा मैं कौन हूँ और अभी तक जो शो जीते हैं इसको भी जीत कर जाऊंगा वंदना आप जान रहे हैं कि ये बहुत बड़ा शो है ये एक वो ऐसा शो है जहाँ से रास्ता कैरियर का खुल जाता है बहुत ज्यादा ऊपर आप पहुँच सकती हैं और आपका मिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग है उसमें शाय भी है और बोल्ड भी है तो आप बोल्ड में कितना बोल्ड होंगी क्लीन बोल्ड होंगी कितना कितनी दूर आपको जाएंगे भी आप इतना इंटरेस्ट है जितना कि उनको है ओहो सर yes. हर सर शायद बोल्ड नहीं सर हर एज ग्रुप को भी सर टैकल कर रही है शॉर्ट टॉल हर एज ग्रुप सर वेल ओहो क्या रीच है क्या पहुंच है सर वाह थैंक यू सर जी मैडम वेल मेरे को मालूम है कि ये बिग बॉस शो इट्स वॉच्ड बाय द नेशन और मेरे को ये भी मालूम है कि इस शो में के अंदर बहुत ड्रामा है बहुत गेम्स है ये सब चीज़ें हैं और मैं बॉलीवुड में और इंडिया में बहुत नया हूँ तो मेरे को
ऑडियंस का इंटरटेन करना जितना भी बोल करना है मैं करूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज आई एम एन एक्ट्रेस बट इन दिस शो यू नीड टू वेट एंड सी व्हाट्स गोना हैपन बिकॉज आई कांट प्रॉमिस हाउ मच हिंदी में क्योंकि मेरे को एक्चुअली आपको प्रॉमिस कर नहीं सकती है कि मैं कितना बोल हो सकती हूँ और कितना कर सकती है और आई डोंट नो नहीं नहीं आप कितना भी बोल्ड हो जाएं वो हो नहीं पाएंगी तो हो ही नहीं पाएंगी और हो भी जाएंगी तो आप नहीं देख पाएंगे आप क्योंकि अगर 10:30 से 11:30 का शो टाइम भी है तो टीवी के ऊपर एक क्या होता है वो एक होता है ना सेंसरशिप क्या होता है वो हाँ SNP तो अगर आपको देखना है तो सर उनके पास जाना पड़ेगा सर उनसे फुटेज मंगानी पड़ेगी हाँ ऐसे ही कीत आपको क्या लगता है कि इसमें इस शो में हमने देखा है पास्ट में जो कपल्स आते हैं वो कई बार शो की वजह से अलग अलग हो जाते हैं जो आपकी जिस तरह की शुरुआत हो रही है और ये जो सलमान ने भी जो नोटिस किया क्या लगता है कि आप लोग मैं पूछ रहा हूँ क्या नोटिस किया पूरा हिंदुस्तान नोटिस कर रहे सर सर मेरा तो मेरा तो अभी तो 3 महीने हुए हमारे को तो क्या फर्क पड़ता है यही बोल रहे हैं